हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ रायते की रेसिपी। और मैंने बनाए हैं तीन तरीके के रायते अलग अलग। तो चलिए देख लेते हैं मैंने तीन रायते कौन कौन से बनाए हैं और किस तरीके से बनाए हैं, देखते हैं अपनी वीडियो। मैंने लिए एक बाउल और इसमें मैं डालूँगी, कम से कम मैंने इसमें डाला है 400 ग्राम दही और इसे अच्छे से मिक्स किया है। हमें इसे अच्छे से बिल्कुल फेंट लेना है, स्मूथ कर लेना है बिल्कुल। ये देखिए हमारी दही बिल्कुल स्मूथ हो गई है। और अगर आप मिक्सी में करेंगे तो ये बिल्कुल थोड़ी सी पानी वाली हो जाएगी। सबसे पहले मैं बनाऊंगी खीरे का रायता। तो खीरे के रायते के लिए सबसे पहले मैं खीरे को हम पील कर लेंगे, इसके छिलके उतार लेंगे। छिलके उतर गए हैं और छिलकों को हम करेंगे साइड में, फेंक देंगे इसे। और ये देखिए मैंने दो खीरे और चार लहसुन की कलियां हैं बड़ी, और ये है तीन मिर्ची। और इनको हम अलग से, चाहे आप कद्दूकस कर लो, चाहे आप पेस्ट बना लो, चाहे आप इसे कूट लो इमामदस्ते में। मैंने तो इमामदस्ते में कूट लिया है। और अब मैं खीरे को कद्दूकस करूँगी। मैंने एक खीरा कद्दूकस करा है, एक कटोरी रायते के लिए एक खीरा इनफ है। और ये मैंने देखी, मैंने जो लहसुन और मिर्ची का इसे कद्दूकस कर लिया, सॉरी इसे मैंने कूट लिया था इमामदस्ते में। और मैंने इसे निकाल के रख दिया। लगभग ये दो चम्मच है। अब हम इसे करेंगे साइड और इसमें डालेंगे हम दही। दही इसमें मैं डालूंगी डेढ़ चम्मच लगभग, ये बड़ा वाला जो होता ना। और अब मैं इसमें डालूंगी खीरा जो मैंने कद्दूकस किया है, और इसे हम दही में अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें थोड़ा सा डालना है लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। लहसुन और मिर्ची आप जरूर रायते में डालें, इससे क्या होता है रायते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब मैं इसमें डालूंगी काला नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैंने आधा चम्मच डाला है। और मैंने डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, और ये है लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच। और इन्हें हम अच्छे से तीनों चीजों को मिक्स कर लेंगे रायते में। देखिए रायता तो हमारा खीरे का बन गया, इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे। अब हम गार्निश क्या है, मैंने हल्का सा इसमें डाला है ये कश्मीरी लाल मिर्च एक चुटकी, और थोड़ा सा हम खीरा काट कर, छोटे छोटे टुकड़े काट कर खीरा हम इस पर ऐसे रख देंगे ताकि लगे ये खीरे का रायता है। और इसे करेंगे अब हम साइड में, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे ये मैंने पुदीना है। पुदीना मैंने इसे क्या करा था, मैं पुदीना सुखा के रख लेती हूँ रायते के लिए, और इसे हाथ से क्रश करके हम पुदीना डाल देंगे। पुदीना गार्निश के लिए भी अच्छा होता है और गर्मियों के लिए भी अच्छा होता है। और अब मैं बनाऊंगी आलू का रायता। आलू मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा था। मैंने लिया है आधा आलू, एक कटोरी के लिए आधा आलू बहुत है बड़े साइज़ में, एक कटोरी रायते के लिए। और इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं।
आप चाहो तो टुकड़े कर लो, चाहे तो आप इसे क्रम्बल कर लो या कद्दूकस कर लो। मैंने तो ऐसे ही सिंपल छोटे टुकड़े कर लिए इनके। इतना काफ़ी है। और एक कटोरी के लिए मैं इसमें डालूंगी दही, लगभग 1.5 चम्मच है। और अब मैं इसमें डालूंगी अपने आलू। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं हम कटोरी में, ताकि ऐसा ना हो ना, आलू भी डालेंगे और भी चीज़ें डलती है तो क्या होता है, ऊपर तक आ जाता है रायता। तो इसलिए मैंने आधी कटोरी दही और आधी कटोरी आलू, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूंगी यही अपनी जो लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट बनाया है मैंने, इसे हम डाल देंगे। ये लगभग मैं हर तीनों चीज़ों में डालती हूँ आधी चम्मच। आपको आधी चम्मच डालनी है तीनों चीज़ों में। और ये काला नमक है आधा चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ये है भुना हुआ जीरा पाउडर। यह है लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, आधे चम्मच से थोड़ा कम है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर आपको तीखा नहीं पसंद तो आप ना डालें, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप आधा चम्मच डाल सकते हैं। और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे रायते में। और ये देखिए अब भी ये रेडी नहीं हुआ है, अभी हमें इसमें डालना है तड़का। तड़का लगाना है इसमें। तड़के के लिए मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें ऑयल, सरसों ऑयल। और गैस की फ्लेम को मैंने कर रखा है बिल्कुल स्लो। और अब मैं इसमें डालूंगी सरसों के दाने, काली सरसों है ना, काली सरसों के दाने डालेंगे हम। मैंने डाला है लगभग आधी चम्मच। और इसे चटकने देंगे, जब ये चटक जाएंगे तो इसमें मैं डालूंगी अपनी लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च डालूंगी मैं इसमें। और इसे भी हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल तड़का पक चुका है। और अब हम गैस बंद करेंगे और इसमें डाल देंगे आलू का रायता। तड़के वाला बहुत पसंद आता है और सबको ही बहुत अच्छा लगता है। ये भुने हुए जीरे से मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूँगी। और ये है मेरा वही पुदीना, थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डालेंगे। आलू का रायता बिल्कुल रेडी है। आपको तीनों रायते बहुत पसंद आएंगे, बनाकर देखें आप अपने घर पर। और अब हम बनाएंगे लास्ट रायता, है हमारा प्याज का रायता। सबसे पहले प्याज को मैं बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे हम। ये देखिए प्याज हमारे कट गए हैं। और उसी उसी बर्तन में जिसमें मैंने अभी तड़का लगाया था, तड़के वाले में, उसी में मैं तेल डालूंगी। मैंने ज़्यादा तेल डाला है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि प्याज है और उसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है, तो थोड़ा ज़्यादा प्याज डलेगी। अब इसमें इसमें डालूंगी अपने प्याज जो मैंने अभी काट के रखे थे। और इसे हम करेंगे बिल्कुल ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन। ये देखिए इस तरीके से। अब हम गैस बंद करके इसे निकाल लेंगे। बिल्कुल ऑयल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ऐसे हम बिल्कुल धीरे धीरे करके ऑयल सेपरेट करके इसे निकाल लेंगे प्याज को। और ये वही है लहसुन प्याज, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। और इसी कटोरी में मैं डाल दूंगी दही। दही मैंने डाला है इसमें लगभग 1.5 चम्मच, जैसे डालती हूँ सब में। और अब मैं इसमें डालूंगी प्याज जो मैंने निकाले हैं, ब्राउन प्याज थोड़े से बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। और इसे मिक्स करेंगे हम दही में। और
और अब इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच बिल्कुल। यह है काला नमक छोटी आधी चम्मच, जो मसाले वाली होती है ना चम्मच, वो वाली चम्मच ही। और यह है भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए प्याज के रायते का कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल पीच कलर आया है। और अब मैं इसे गार्निश करूंगी। थोड़ा सा हल्का सा एक चुटकी हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, और ये है प्याज जो थोड़ी सी बचाई थी हमने। और तीनों रायते बिल्कुल बन के तैयार हैं, खीरे का रायता, प्याज का रायता और ये है आलू का रायता। आपको तीनों रायते बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।